स्वागत है आप सबका डिफेंस डिकोड पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एक मेजर एक्सपोर्ट को लेके जो कि भारत की तरफ से किया जा रहा है डिफेंस के क्षेत्र में, और ये एक्सपोर्ट है ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने के लिए जो डील पे वार्ता है वो काफी समय से चल रही थी, पिछले 2 या 3 सालों से। तो फाइनली जो एक प्रपोजल है वो दिया गया था तकरीबन $370 मिलियन का, और ये जो प्रपोजल है ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने का एक्सेप्ट कर लिया गया है फिलीपींस नेवी के लिए। तो यहाँ पे फिलीपींस का जो मरीन कोर है वो अभी फिलहाल ब्रह्मोस को प्रोक्योर करने जा रही है। डील की जो लागत होगी वो तकरीबन $374 मिलियन के अराउंड रहेगी। तो इसके लिए जो इनिशियल एलोकेशन है तकरीबन $56 मिलियन का, वो लास्ट मंथ ही कर दिया गया था डीबीएम के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बजट मैनेजमेंट के द्वारा, जो कि फिलिपिनियन बॉडी है। तो अभी फिलहाल फिलीपींस आर्मी और नेवी दोनों ब्रह्मोस को प्रिक्योर करेगी। जो भी करंट डील है वो नेवी के लिए है, और ये पूरा का पूरा जो प्रिक्योरमेंट है वो फिलीपींस के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है, जहाँ पे उनका ऐसा प्लान है कि तकरीबन $40 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है डिफेंस में मॉडर्नाइज करने के लिए। जहाँ तक बात जाएगी नंबर ऑफ ब्रह्मोस की, तो तकरीबन 2 से 3 बैटरी वो प्रिक्योर करने वाले हैं, और इन सभी बैटरी में तकरीबन 3 मोबाइल लॉन्चर यूनिट होंगे, और इन तीनों मोबाइल लॉन्चर यूनिट पे मैक्सिमम 3 मिसाइल हो सकती हैं। तो फिलीपींस जो आर्मी है वो 2 बैटरी प्रिक्योर करने वाली है, और जो नेवी है जिसके लिए अभी डील हुई है वो 3 बैटरी प्रिक्योर कर रहे हैं, जिसकी जो लागत उनको पड़ी है वो $374 मिलियन के अराउंड पड़ी है। तो टेक्निकली यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो जाता है, जैसे कि हम सभी अवेयर हैं, जो पब्लिक फिगर है ब्रह्मोस के पर यूनिट के कॉस्ट को लेके वो तकरीबन 30 करोड़ के अराउंड है, जो कि रफली बैठेगा $4 मिलियन। डील है यहाँ पे $370 मिलियन की, उसमें आपके लॉन्चर भी हैं और अदर सब सिस्टम भी हैं, प्लस जो मेंटेनेंस होगा वो भी वहाँ पे इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे कहीं की जो नंबर ऑफ यूनिट होगी वो तकरीबन 50 तक जा सकती है, यानी कि 50 ब्रह्मोस यहाँ पर देख सकते हो फिलीपींस नेवी के लिए। पर्टिकुलरली मैं मिसाइल की बात कर रहा हूँ। ठीक, ऐसे यहाँ पे जो आर्मी होगी फिलीपींस आर्मी, वो 2 बैटरी प्रिक्योर करने वाली है, और इन दोनों बैटरी में 3 मोबाइल लॉन्च यूनिट हो सकते हैं। जहाँ तक बात आती है आर्मी की, तो उनके आर्मी ने जो एक लैंड बेस्ड मोबाइल सिस्टम बैटरी है यानी कि LBMS वो पहले ही रेज कर लिया था 2019 में ब्रह्मोस के प्रोक्योरमेंट के एंटिसिपेशन में। तो फिलीपींस आर्मी अपने ब्रह्मोस को लैंड बेस्ड रखने वाली है, जबकि जो नेवी होगी मरीन कोर होगा वो शोर बेस्ड रखेंगे अपने ब्रह्मोस को। तो यहाँ पर लगभग आने वाले कुछ मंथ में उनके आर्मी के लिए भी जो डील है वो साइन कर ली जाएगी। फिलहाल नेवी वाले ऑर्डर में जो $374 मिलियन का अवार्ड है वो दिया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड को, जहाँ पे जो एक परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। टेक्निकली जो एक फाइनेंशियल गारंटी है वो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगले 10 दिनों में। तो यहाँ पे जो फाइनल डील साइनिंग है फिलीपींस आर्मी के लिए वो आपको अगले कुछ मंथ में होते हुए दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे भी भारत ने एक जो ऑफर है लाइन ऑफ क्रेडिट का वो दिया हुआ है। तो भारतीय डिफेंस के क्षेत्र में ये आप कहोगे कि एक मेजर एक्सपोर्ट है, जहाँ पे 2025 तक भारत ऐसा देख रहा है तकरीबन $5 बिलियन के अराउंड जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के क्षेत्र में वो किया जाए। तो इसमें जो एक मेजर रोल है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड निभाने वाला है, क्योंकि कई सारे जो वेंडर हैं वो इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब चाहे इजिप्ट हो, वियतनाम हो, ब्राजील हो, साउथ अफ्रीका हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, तो ये कुछ जो देश हैं वो ब्रह्मोस में इंटरेस्टेड हैं। यहाँ पे 2025 तक आपको जो क्लियर पिक्चर है वो मिल जाएगी, तभी ये जो एक मेजर रोल है वो निभाने जा रहा है भारत के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट प्लान में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।